कह रहे कि था शाम काम सब किए चलो गठन गढ़े चलो सुपत पर बढ़े चलो देश का वो काम सब किए चलो जुग वो काम सब किए चलो संगठन गढ़े चलो सुपत पर बढ़े एक ताल के स्वर में गीत गुनगुनाना सी वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के उपस्थित जिला अध्यक्ष गीता भगत जी, जिला अध्यक्ष गोपाल महाजन जी, सम्मानित मंच और यहाँ इस सभागार में उपस्थित जे श्रेष्ठ कार्यकर्ता जो अपेक्षित हैं, परिचय की मोहताज भी नहीं है। उन्होंने इतने काम हमारे जम्मू कश्मीर में बहनों के लिए कर दिए हैं कि उनका नाम जो है शायद महिलाओं की अग्रिम पंक्ति में रखा जाएगा। क्रेडिट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरपर्सन भी मोर्चा का प्रशिक्षण वर्ग जिला में हो रहा है। हमारे बीच में जिला के आदरणीय अध्यक्ष भाई गोपाल महाजन जी तथा यहाँ पर उपस्थित सभी सीनियर नेतागण और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों, जैसे कि मेरा विषय दिया है महिला सशक्तिकरण में भाजपा की भूमिका और महिला केंद्रित योजनाएँ तो मेरी बहन ने कुछ आपको वैसे भी समझा दी। इस टॉपिक पे बोलने के लिए अगर मैं चाहूँ तो मुझे लगता है कि 2 घंटे भी हम लोगों को बहुत कम पड़ेंगे जिस हिसाब से आदत, परंतु बहनों टाइम की सीमा देखते हुए क्योंकि 12 बजे मुझे यहाँ से आगे निकलना था, लेकिन फिर भी मैं आप सभी बहनों का बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि इतना मौसम खराब होने के बाद महिला सशक्तिकरण समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाने को ही सशक्ति पुरुष प्रधान थे, क्योंकि हम हर जगह देखते थे हमेशा पुरुष प्रधान ही समाज हमें दिखता था, महिलाओं को कभी भी आगे आने का इतना मौका नहीं मिलता था, ना ही उनको कोई अपना जो वो क्षमता रखती थी जिस भी कार्य करने की तो वो आगे उभर के हम लोग उसको दिखा सकते थे। इसके साथ साथ ही पहले जैसे सती प्रथा थी, दहेज प्रथा थी, अब देखा जाए तो ये प्रथाएँ बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। ये सारा हमारा जो है ये महिला सशक्तिकरण में ही ये चीज़ें आती हैं। महिला सशक्तिकरण शुरू कब हुआ था? राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में महिलाओं होता है, जैसे मानसिक शारीरिक और हमारा अनुभव है तो मैं यही कहूँगी कि जैसे मानसिक हम जैसे जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, जैसा हम काम करते हैं, क्या घर परिवार में, क्या समाज में, क्या राजनीति में, तो महिलाओं के लिए मानसिक शांति भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप लोग ये चीज़ सब जरूरी है तो हम लोगों ने भी वहां जाके सीखा है, तो ठीक उसी प्रकार से जो प्रशिक्षण है वो
हमारे मोर्चों को भी प्रदेश करते रहे। और उससे पहले आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, मैंने भी देखा कि हमारे जो महिला मोर्चा की जो राष्ट्रीय टोली है उनका भी एक प्रशिक्षण शिविर रहा। मैंने उपेश जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को और हमारी रेखा जी को उनको देखा वहां पर, वो अटेंड करते हुए उन्होंने क्या क्या वहां पर सीखा वो सारी चीजें अध्यक्ष जी भी वहां पर यहाँ पर आपसे शेयर करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा हम सब के लिए है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से रहना चाहिए, हमारी कार्य पद्धति क्या है, ये सब चीजें हमको इस प्रशिक्षण आपका बहुत बढ़िया रहे, आप लोग यहाँ से सीख के जाए और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार ये कहती है कि हमारा कार्यकर्ता किस प्रकार से होना चाहिए, कार्यकर्ता को नेता बनाना ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। हम लोग एक कार्यकर्ता के भाव के रूप से काम करें, यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता भी है। तो मैं आने वाले समय के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और स्पेशली अध्यक्ष जी जो अपना कीमती समय निकाल कर हमारी कठुआ की बहनों को यहाँ पर बहुत कुछ सिखाने के लिए यहाँ पर पहुंची है, इनका आशीर्वाद ऐसे ही आप लोगों पर बना रहे और आने वाले समय में आप में से बहने जो है वो नेता बन के उभरे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, और हमारी जो महिला मोर्चा की जिला की अध्यक्ष है उनका भी बहुत मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। समय समय पर मैं देखता हूँ आपकी जो पूरी टीम है वो मेहनत करती है, और जितने भी संगठनात्मक जो टास्क जो काम हम लोगों को मिलते हैं हम लोग संयुक्त रूप जय हिंद जय भारत। उसके बारे में बताएंगे। जिसने भी सृष्टि सिंगारी है वो औरत है वो नारी है, जिससे भी जग है वे जान है। बड़े गर्व से मैं आप सभी के बीच एक नारी शक्ति के कठुआ महिला मोर्चा की स्थापना के साथ 2015 में कई सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उनका कार्यभार संभाल कर महिलाओं के इस तरह शिक्षण भारत जो जिला कठुआ की महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता भगत जी की अध्यक्षता में चल रहा है, इस वर्ग में उपस्थित मुख्य रूप से हमारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय डोगरा, वे ऐसा विषय है जिसमें